राधे राधे, मैं लीला मिश्रा आज आपको किस्सा सुनाऊंगी। मैं अपने पति के साथ जब पहली बार रेस्टोरेंट पे गई थी, जबकि बात कुछ ऐसी है कि मैं 3 महीने का मेरा लड़का था बड़ा, जब मैं पहली बार अपने लड़के को लेके ससुराल से मम्मी के पास आई थी अपने पीहर में, पीहर सुल्तानपुरी था। तब एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति का फोन आया, तो वो बोले मैं नांगलोई में किसी मार्केट में काम से आया हुआ हूँ और देव रेस्टोरेंट पे आ जा। तो मैंने कहा घर आ जाओ, तो बोले कि नहीं मैं घर तो नहीं आऊँगा, काम है, मैं यहीं से घर जाऊँगा, तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। और लड़का मेरा सो रहा था, 3 महीने का था उस समय लड़का मेरा, ये तो लड़का मेरा सो रहा था और नीचे मेरा भाई ट्यूशन पढ़ा रहा था और बहन भी पढ़ रही थी, पड़ोस के बच्चे भी पढ़ते थे, बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे पढ़ाता था वो। फिर मैंने कहा कि भाई मैं जा रही, तेरे जीजा बुला रहे हैं मेरे को देव रेस्टोरेंट पे। तो कह रहे कि जीजा को बुला ले यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैंने बोला था कि आ जाओ, तो वो बोले नहीं मेरे को काम है, मैं यहीं से सामान लेके चला जाऊँगा और आ जाओ तुम। कह रहे ठीक है, कह रहा ठीक है। मैंने कहा ऊपर मन्नू सो रहा है, देख लिए उसे, नहीं तो रोने लग जाए। तो कह रहा ठीक है मैं देख लूँगा, जा तू। फिर मैं गई उनके पास, तो वो कह रहे कुछ खाएगी। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे कोई काम है, तो कह रहे हाँ वो भी हो जाएगा, कह रहे कुछ खाएगी। मैंने कहा खिला दो। तो वो ब्रेड उन्होंने लिए, पनीर के पकोड़े, पनीर के पकोड़े हम दोनों ने लिया। टेबल पे जैसे हम बैठे, दोनों जने बस बैठे ही थे, तभी क्या हुआ कि दो पुलिस वाले हमारे आगे बैठे हुए थे, आगे वाली उस पर टेबल पे। तो वैसे ही वो जैसे देखा हम दोनों को, हम दोनों ने टेबल बैठे हुए थे आज आमने सामने, तो आए एक जना तो मेरे हस्बैंड के बगल बैठ गया और एक मेरे बगल बैठ गया। तो कह रहे और भाई, हाथ ऐसे मेरे पति के रख दिया, मेरे तो नहीं रखा क्योंकि मैं लेडीज हूँ, तो उनके हाथ ऐसे रख दिया बगल में कंधे पे रख दिया उनके हाथ। तो कह रहे और भाई क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड एक पल के लिए तो वो सोचे कि शायद इनके जानने वाले होंगे पीहर के, तो बोले खाओ सर आप जो कुछ है, खाओ आप भी। तो वो बोले, तो मैंने कहा सर मैं आपको पहचान ही नहीं। तो कह रहे कि पहचानोगे कैसे, कह रहे क्या चल रहा है, कह रहे घर से आ जाते हो तुम लोग ऐसे, मम्मी पापा को बताते नहीं हो और खा रहे हो, और ये ऐसे गलत बात है ये सब। मैंने कहा मेरे को बात समझ में नहीं आई सर। तो कह रहे कि आप लोगों की शादी थोड़ी ना हुई है जो ऐसे घूमते फिरते बैठते हो, झामर जी माँ बाप की इज्जत खराब करते हो तुम लोग। तो ऐसे बोलने लग गए। तो मैंने कहा सर एक मिनट, हमारी शादी हो चुकी है दोनों की। तो बोले कि झूठ बोल रहे हो, शादी हो गई है। मैंने कहा नहीं सर हमारी शादी हो गई है, मेरे एक लड़का भी है। कह रहे उस समय मेरी उम्र क्या थी, 18 साल की थी, और इन्होंने फ़ोन किया जब, तो मैंने ना तो मांग में सिंदूर भरा, नहा के हटी थी, ना तो मांग में सिंदूर भरा, और ऊपर के लुक से बिल्कुल जब उम्र भी कम थी, सूट सलवार डाला और बस चली आई, ऊपर से कुछ नहीं, बिछिया पैर में थी, मगर इतना कौन देखता है, वो हर कोई चेहरा ही देखता है खाली। तो फिर वो यकीन नहीं मान रहे, मगर जब मैं उनसे कहने लग गई तो कह रहे आपके पापा क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे पापा सब इंस्पेक्टर में टेलीफोन डिपार्टमेंट। कह रहे मम्मी, मैंने कहा हाउस वाइफ है। मैंने कहा चलो आप, मेरा घर नज़दीक ही है, और आप मेरे बच्चे से भी मिल लेना, मम्मी पापा से भी मिल लेना, आपको जो कहना कह देना। मैंने कहा तो हम दोनों ने बोला भैया हस्बैंड वाइफ है, जब उन्हें लगने लग गया कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बोल रहे हैं दोनों। फिर वो चले गए, मतलब कि ऐसा हुआ। तो हम कह रहे कि जहाँ कमारे होते हैं वहाँ तो ये पहुँचेंगे नहीं, गलत जगह पहुँच जाते हैं। ये सोचे थे कुछ हाथ गर्म होगा, कुछ मिलेगा पैसा वैसा, मगर उनको तो कुछ नहीं। मगर हमने जब मैं घर गई अपने और बताया अपने भाई को, तो सब बच्चे भी हंसने लग गए, मेरा भाई भी हंसने लग गया, कह रहा कि जो कमारे हैं उनको तो पकड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को पकड़ लिया, कह रहा अच्छा करते हो तुम लोग। बस यही इच्छा है। राधे राधे, खुश रहिए।